हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू विद कीर्ति। सो गाइज, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ चंदू चैंपियन का जो ट्रेलर रिलीज हो गया है उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। एंड मैं बता दूँ, ट्रेलर से पहले जब इसके जो कार्तिक आर्यन के दो पोस्टर जब रिलीज हुए थे तब भाई उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन थे उसने बिल्कुल ऐसे तहलका मचा दिया था कि भाई ये क्या है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख के ऑफकोर्स मैं और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब जल्दी से इसका ट्रेलर आज। जैसे कि उन्हें खुद बताया कि उन्हें एक साल तक शुगर को हाथ नहीं लगाया था ताकि उनका जो वेट है वो कम हो सके और उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फॉर्म में आ सके। जैसे कि हम सबको पता है चंदू चैंपियन मुरली पेटकर की बायोपिक है एंड इसमें जो जो हमने पढ़ा है सुना है हमें सब कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा। एंड इस मूवी की बात को तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है कबीर खान, जिन्होंने अब से पहले बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और 83 जैसे सुपर हिट मूवीज दी हैं। एंड इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है साजी नाडियावाला। एंड साजी नाडियावाले की बात को तो भाई मैं उनसे अब की बार बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बार एक ऐसी मूवी लेके आ रही जिसके बारे में ऑडियंस को बहुत कम पता है, यानी कि जिनको हिस्ट्री बारे में नॉलेज है उनको थोड़ा बहुत पता होगा बट काफी ऑडियंस इनसे काफी अनजान है मुरली पेटकर से कि भाई एक्चुअली में है क्या। मुरलीकांत पेटकर की बात को तो वो सिर्फ एक मिलिट्री में जवान नहीं थे, उन्होंने पूरे अपने सीने में 9 गोलियां भी खाई है एंड वो मौत को टाटा बाय करके कैसे वापस आई है सब हमने ट्रेलर में देख लिया है। मतलब ये तो वही बात होगी कि बोलते हैं कि भाई अगर किसी को कुछ करने की इच्छा हो तो मौत भी नहीं आ सकती, बिल्कुल सेम मुरलीकांत पेटकर के साथ भी हुआ था। 9 गोलियां खाने के बावजूद कैसे वो वापस आई, कैसे उन्होंने सब कुछ किया, हमें पूरा मूवी में देखने को मिलेगा। एंड ये जो मूवी बड़े पर्दे पे हम देखने वाले हैं भाई, मैं ट्रेलर देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वेट ही नहीं हो रहा कि ये 14 जून को आएगी। एंड जैसे कि आपको ट्रेलर में दिख रहा है कि जो कार्तिक आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। मुरलीकांत पेटकर के बारे में बताया था कि ओलंपिक में भी वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल ला चुके हैं और फ्री स्टाइल स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2018 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था, उन्होंने कितना ज्यादा संघर्ष किया है, कितनी अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े। एंड हमें पर्सनली इस टाइप की बायोपिक की बहुत ज्यादा नीड होती है अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। हम सबको पता है कि मूवीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, मतलब हम कहीं ना कहीं उस मूवी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख ले रहे होते हैं। एंड जब ये बायोपिक हमारे सामने आते तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ज्यादा मोटिवेट करने का काम करती है। एंड मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करती हूँ कि ये वाली मूवी भी सुपर डुपर हिट हो ताकि इस टाइप की मूवीज भी और ज्यादा बन सके और हमारे जो यंगस्टर हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेट होकर लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू इस ट्रेलर को लेके। आप मुझे बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। ऑफ कोर्स मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये ट्रेलर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इसे बिना स्किप के देख सकते हो, मतलब आपको ट्रेलर कब निकल जाएगा, कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही चलेगा। एंड इसकी जो एडिटिंग वगैरह की गई है, स्विमिंग करते हुए दिखाते हैं भाई, बहुत सुपर लग रहे हैं। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मूवी आ रही है 14 जून को। आप मुझे बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड इस ट्रेलर से आप क्या क्या और उम्मीद कर सकते थे। सो गाइस, कार्तिक आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन ने तो इम्प्रेस किया ही है, साथ ही इस टाइप की मूवी के लिए हम सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।